सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच अज मानसा दी सैशन कोर्ट दे विच दोषियां दी पेशी है। पिछली तरीक ते अदालत ने निर्देश दित्ते सी कि सारे मुलजमां नूं फिजिकली तौर ते पेश कीता जावे, परंतु पंज मुलजम ही अदालत दे विच पेश हो चुके सी। अज फिर अदालत दे विच मुलजमां नूं पेश करना है, परंतु हजे तक अजिही कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही जिस ते सारे मुलजमां नूं पेश कीता जा सके। परंतु पता लग्या कि कुछ दोषियों नूं पेश कीता जा सकता, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ते केंद्र सरकार ने 268 CRPC लगा के भारत की किसी भी अदालत दे विच उस नूं फिजिकली तौर पर पेश होने पर पाबंदी ला दी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नूं जान का खतरा है। कदे लॉरेंस का मौन वर्त हुंदा, कदे उसकी जान नूं खतरा हुंदा, तो लगातार पेशी ते पेशी पै रही है, जिस ते सिद्धू मूसेवाले दे पिता काफ़ी दुखी भी नज़र आउंदे ते किते ना किते अदालत तो आस बंद भी ने कि अदालत एक ना एक दिन चार्ज फ्रेम करके इस केस की रेगुलर सुनवाई है जिहड़ी ओ करेगी। अज फिर देखना होगा कि किन्ने मुलजम है जिहड़े फिजिकली तौर पर पेश करदे। हालांकि कोविड की एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी लाई जा रही है, जिस ते अदालत ने कोविड के दौरान जिहड़े चार्ज फ्रेम करने सी ओह फिजिकली तौर पर बजाए वीडियो कॉन्फ्रेंस राही पेश जिहड़े कीते सी मुलजम। तो देखते हैं कि अज अदालत की रुख अख्तियार करती है। जेकर अज भी किसी दोषी नूं पेश नहीं किया जाता तो चार्ज फ्रेम हुंदी है या फिर अगली पेशी पैंदी है, क्योंकि अदालत तो सिद्धू दे पिता काफ़ी गुहार ला चुके हैं पेश होके भी कि उन्हां दे पुत की सुनवाई है जिहड़ी रैगूलर की जाए, क्योंकि 1.5-2 साल हो गए हजे तक चार्ज है जिहड़े वह फ्रेम नहीं हुए। तो पंज मुलजम है जिहड़े पिछली तरीक ते पेश कीते सी, अज किन्ने मुलजम पेश होणगे जां ना होणगे इह देखणा होवेगा। फिलहाल अदालत दे फैसले ते नज़र रहेगी कि दोषियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुंदे आ। बेशक लॉरेंस बिश्नोई का पक्का है कि वह नहीं आना, उसने तो बाकी दोषियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुंदी है या फिर फिजिकली तौर पर हुंदी है, अदालत का रुख रहेगा, क्योंकि अज अहम सुनवाई है जिहड़ी ओह होणी। बलदेव शर्मा, News18 मानसा। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच अज मानसा दी सैशन कोर्ट दे विच दोषियों की पेशी है। पिछली तरीक ते अदालत ने निर्देश दित्ते सी कि सारे मुलजमान नूं फिजिकली तौर पर पेश किया जाए, परंतु पंज मुलजम ही अदालत दे विच पेश हो चुके सी। अज फिर अदालत दे विच मुलजमान नूं पेश करना है, परंतु हजे तक अजिही कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही जिस ते सारे मुलजमान नूं पेश कीता जा सके। परंतु पता लग्या कि कुछ दोषियों नूं पेश कीता जा सकता, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ते केंद्र सरकार ने 268 CRPC लगा के भारत की किसी भी अदालत दे विच उस नूं फिजिकली तौर पर पेश होने पर पाबंदी ला दी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नूं जान का खतरा है। कदे लॉरेंस का मौन वर्त हुंदा, कदे उसकी जान नूं खतरा हुंदा, तो लगातार पेशी ते पेशी पै रही है, जिस ते सिद्धू मूसेवाले दे पिता काफ़ी दुखी भी नज़र आउंदे ते किते ना किते अदालत तो आस बंद भी ने कि अदालत एक ना एक दिन चार्ज फ्रेम करके इस केस की रेगुलर सुनवाई है जिहड़ी ओ करेगी। अज फिर देखना होगा कि किन्ने मुलजम है जिहड़े फिजिकली तौर पर पेश करदे। हालांकि कोविड की एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी लाई जा रही है, जिस ते अदालत ने कोविड के दौरान जिहड़े चार्ज फ्रेम करने सी ओह फिजिकली तौर पर बजाए वीडियो कॉन्फ्रेंस राही पेश जिहड़े कीते सी मुलजम। तो देखते हैं कि अज अदालत की रुख अख्तियार करती है। जेकर अज भी किसी दोषी नूं पेश नहीं किया जाता तो चार्ज फ्रेम हुंदी है या फिर अगली पेशी पैंदी है, क्योंकि अदालत तो सिद्धू दे पिता काफ़ी गुहार ला चुके हैं पेश होके भी कि उन्हां दे पुत की सुनवाई है जिहड़ी रैगूलर की जाए, क्योंकि 1.5-2 साल हो गए हजे तक चार्ज है जिहड़े वह फ्रेम नहीं हुए। तो पंज मुलजम है जिहड़े पिछली तरीक ते पेश कीते सी, अज किन्ने मुलजम पेश होणगे जां ना होणगे इह देखणा होवेगा। फिलहाल अदालत दे फैसले ते नज़र रहेगी कि दोषियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुंदे आ। बेशक लॉरेंस बिश्नोई का पक्का है कि वह नहीं आना, उसने तो बाकी दोषियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुंदी है या फिर फिजिकली तौर पर हुंदी है, अदालत का रुख रहेगा, क्योंकि अज अहम सुनवाई है जिहड़ी ओह होणी। बलदेव शर्मा, News18 मानसा।